इमाम अहमद बिन हम्बल रिवायत करते हैं, ये हमने तो वजह नहीं की। और इमाम तिरमजी रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने एक रोज हसन और हुसैन दोनों शहजादों के हाथ थाम लिए, आखाजा बिदिन हसन और हुसैन के हाथ थाम लिए, फकाला दोनों शहजादों को पकड़ कर, फकाला मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मा फी दरजति यौमल क़ियामा, जिस शख्स ने इन दो मेरे शहजादों से मोहब्बत की, हसन और हुसैन से, जिसने मुझसे मोहब्बत की, फरमाया अहब्बनी मुझसे मोहब्बत की, फिर मेरे इन दो शहजादों हसन और हुसैन से मोहब्बत की, फिर इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की, फिर इन दोनों की माँ फातिमा से मोहब्बत की, फरमाया क़यामत के दिन और आखिरत में जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा, उसका मस्कन मेरे साथ होगा। और अब सही मुस्लिम की एक और हदीस है, सही मुस्लिम की, क्योंकि मौला अली अल मुर्तज़ा की रात है, उसमें मौला अली अल मुर्तज़ा रिवायत करते हैं सही मुस्लिम शरीफ की हदीस और किताबुल ईमान, किताबुल ईमान। और इमाम मुस्लिम ने बाब बनाया है, बाब वो भी गौर से सुने, जिस बाब में ये हदीस लाए हैं जो हदीस आगे आपको सुना रहा हूं, बाब इमाम मुस्लिम का है। बाब जब इमाम हदीस बनाता है तो ये उसका अकीदा जाहिर करता है। अब बाब का उन्वान सुने क्या है। अब अगर आप और हम में से कोई लोग अपना अकीदा बदल रहे हैं तो फिर सही मुस्लिम को छोड़ दें, सही बुखारी को छोड़ दें, फिर कुरान को छोड़ दें, दोनों चीजें गड़मड़ नहीं कर सकते। इमाम मुस्लिम ने बाब बनाया, बाब दलील अला अन्न हुब्बल अंसार व अली मिनल ईमान। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में बाब बनाया, बाब इस चीज की दलील पर कि अंसार सहाबा से मोहब्बत और अली मुर्तजा से मोहब्बत, ये ईमान है, ये ईमान का हिस्सा है। इस तरह का उन्वान औरों के लिए नहीं बनाया। ये इमाम मुस्लिम का अकीदा बता रहा है कि हजरत अली से मोहब्बत और अंसार सहाबा से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, यानी उसको ऐन ईमान कहा। क्यों? कि हदीस सही है, मौला अली अल मुर्तजा फरमाते हैं कि उस रब की कसम जिसने दानों को फोड़ा, नबातात और पौधों को उगाया और जिंदगी में निजाम हयात तख्लीक किया, उस रब की कसम, इन्नहु लअहदुन नबियिल उम्मी इलैया, सैयदना अली ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ ये वादा फरमाया था, मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के वादा फरमाया था कि अली मैं तुमसे वादा करता हूं, जमानत देता हूं, वादा करता हूं, क्या, अल्लाह युहिब्बनी इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़नी इल्ला मुनाफिकुन, मुझसे फरमाया था वादा के तौर पर कि अली मेरा वादा है कि सिवाय मोमिन के तुझसे मोहब्बत कोई नहीं करेगा और सिवाय मुनाफिक के तुझसे बुग्ज़ कोई नहीं रखेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली मेरा तुमसे वादा है, गोया कसम खाई है कि सिवाय मोमिन के तुझसे मोहब्बत की तौफीक किसी को नसीब होगी, तेरी मोहब्बत मोमिन के सिवा किसी के दिल में नहीं रहेगी और तेरा बुग्ज मुनाफिक के सिवा किसी के दिल में नहीं होगा। जिसके दिल में तेरा बुग्ज होगा, जो तेरी मोहब्बत से कतराएगा, तेरी फजीलत से कतराएगा, तेरा जिक्र तेरी शान बयान करने से जरा झिझकेगा, कतराएगा, पेचोताप खाएगा, ये अलामत होगी कि ये शख्स मुनाफिक हो चुका है, इसका ईमान रुखसत हो गया है। और जो तुझसे मोहब्बत करेगा, तुझसे मोहब्बत करना मोमिन होने की ईमान की अलामत होगी।